चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षल चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीट ब्लॉकिंग के बारे में, क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा सीट ब्लॉकिंग हुई है। और ये क्यों हुई है, इससे क्या इफेक्ट पड़ा है सीट ब्लॉकिंग से, अभी जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली है उनको क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड, एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी सीटें आ सकती हैं और क्या आपको स्टेट के स्ट्रे वैकेंसी राउंड का इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब कहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीट ब्लॉकिंग की। तो ये सीट ब्लॉक क्यों हुई है, अभी सीट ब्लॉक का सबसे बड़ा रीजन इस बार ये रहा है कि जिन कैंडिडेट्स ने एमसीसी के थर्ड राउंड में सीट अलॉट करवा ली और उनको मौका मिल गया स्टेट के मॉपअप राउंड में अपीयर होने का, उन्होंने स्टेट के मॉपअप राउंड से भी सीट अलॉट करवा ली, तो एक कैंडिडेट दो जगह सीट होल्ड कर रहा है। यानी कि अभी जो एमसीसी का लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का थर्ड राउंड का, वो 18 सितंबर 23 है और स्टेट के मॉपअप में तकरीबन रिजल्ट आ चुका है और ज्वाइनिंग अभी चल रही है। 21 लास्ट डेट है तकरीबन स्टेट्स की ज्वाइनिंग की, क्योंकि 21 से ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए जो लास्ट डेट रखी है सभी स्टेट्स ने वो 21 सितंबर 23 रखी है। तो सीट ब्लॉक होने का मेन कारण यही रहा कि स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया में भी सीट ले ली और स्टेट में भी सीट ले ली। ऐसा स्टेट ने कोई रूल नहीं बनाया था कि जिन कैंडिडेट को ऑल इंडिया में सीट अलॉट होगी वो स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा कोई स्टेट ने रूल नहीं दिया था। हालांकि यूपी ने ऐसा लिखा जरूर था नोटिस में, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। इसकी वजह से एक स्टूडेंट के पास दो दो सीट होने से ये कट ऑफ स्टेट की भी काफी चली गई और ऑल इंडिया की कट ऑफ भी काफी चली गई। ये इफेक्ट रहा है सीट ब्लॉकिंग से, यानी कि जो एमसीसी का थर्ड राउंड था उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कट ऑफ जो ज्यादा 4-5 मार्क्स डाउन आनी थी वो सिर्फ 1 मार्क्स ही डाउन आ पाई और स्टेट में कट ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ा सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में। जैसे कि देखें हम यूपी का देखें तो यूपी के फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा है कट ऑफ में, थोड़ा बहुत न के बराबर डाउन गई है। ऐसे ही हरियाणा का एग्जाम्पल है, ऐसे ही हम लें तो बिहार का एग्जाम्पल है और इसी प्रकार का एग्जाम राजस्थान स्टेट का भी है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, नहीं हर साल ऐसा होता था कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में कट ऑफ डाउन जाती थी, सेकंड राउंड से मॉपअप राउंड में कट ऑफ डाउन जाती थी, लेकिन अभी इस प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ा है इन दो तीन राउंड में इन स्टेट्स में। अब हम बात करें स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में स्टेट में भी सीटें आएंगी जिनके ऑनलाइन राउंड थे और इसके बाद में ऑल इंडिया के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी काफी सीटें आएंगी। कारण यह है कि जिन बच्चों ने दो दो सीट होल्ड कर रखी थी स्टेट की और ऑल इंडिया की, वो कहीं ना कहीं एक सीट तो छोड़ेंगे। अगर वो स्टेट की सीट छोड़ते हैं तो ऑल इंडिया में वैकेंट सीट आएंगी और ऑल इंडिया की सीट छोड़ते हैं तो स्टेट में आएंगी, और दोनों का एवरेज देखें तो दोनों में काफी ज्यादा सीटें आएंगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि स्टूडेंट के पास दो सीट होने से वो एक सीट छोड़ेगा उसको। लेकिन जो ये ऑनलाइन जिनके अभी मॉपअप हुए हैं उन्हीं में ये कंडीशन है, राजस्थान का जो ऑफलाइन मॉपअप हुआ है थर्ड राउंड हुआ है उसमें ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में राजस्थान और दिल्ली दो ही स्टेट हैं जिन्होंने जो थर्ड राउंड है वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाया था, और जहां ऑफलाइन कंडक्ट होता है उस स्टेट में स्ट्रे वैकेंसी में सीट आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इन दो स्टेट्स में राजस्थान और दिल्ली में तो स्ट्रे वैकेंसी में सीट आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन जिन स्टेट्स में राउंड्स हुए थे जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, बिहार का तो अभी सेकंड राउंड ही चल रहा है, उसका मॉपअप हुआ नहीं है, लेकिन सेकंड राउंड को भी हम माने तो ऑनलाइन ही था वो, और उसमें भी नेक्स्ट राउंड में सीट आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बिहार से भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्टेट से सीट ली है, ऑल इंडिया से सीट ली है, तो स्टेट की सीट छोड़ के ऑल इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं, तो बिहार के मॉपअप में अच्छी खासी सीट आने की पॉसिबिलिटी है। अच्छी खासी का मतलब जितनी पिछले राउंड्स में सीटें नहीं आती थी, प्रीवियस ईयर में सीटें नहीं आती थी, उतनी सीटें इसमें आने की पॉसिबिलिटी है बिहार स्टेट में, यूपी स्टेट में, हरियाणा स्टेट में। यानी कि पिछले साल का हम कंपेयर करें तो पिछले साल जो स्ट्रे में सीटें आती थी उससे ज्यादा सीटें इस बार इन स्टेट्स में सीटें आएंगी राजस्थान को छोड़ करके। तो ये तो होगी स्ट्रे वैकेंसी की बात। अब जो ऑल इंडिया का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा उसमें सीटें काफी आएंगी, तो किन किन कैंडिडेट्स को एडमिशन लेना चाहिए, कितने मार्क्स तक कहां पर मिल जाएगा, इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। तो देखो पॉसिबिलिटी कहां कहां सी है,
मैं यहां मान रहा हूं कि जो ऑल इंडिया की कट ऑफ रहेगी 607 608 के नियर बाई कट ऑफ रहेगी ये, तो ये जब 608 के नियर बाई कट ऑफ रहेगी तो इससे नीचे के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको स्टेट में सीट नहीं मिल रही है, स्टेट में कट ऑफ ज्यादा जा रही है, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, केरला हो गया, ऐसे स्टेट के कैंडिडेट को फिर तैयारी ही शुरू कर देनी चाहिए अगर वो प्राइवेट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। यानी कि एमसीसी के राउंड में अगर आपके स्टेट से कट ऑफ कम जा रही है तो आपको एमसीसी में ही एडमिशन लेना है, स्टेट का कोई इंतजार नहीं करना है। स्टेट में आपको तभी जाना है जब आपको एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी राउंड से कोई सीट नहीं मिली हो। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, जैसे 607 से डाउन कैंडिडेट्स हैं और प्राइवेट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी जिन कैंडिडेट्स को प्राइवेट में एडमिशन लेना है, प्राइवेट जिनकी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो कर्नाटका का अभी थर्ड राउंड चल रहा है, यानी मॉकअप राउंड चल रहा है, केरला के मॉकअप राउंड का रिजल्ट आ चुका है, इसके बाद में उत्तराखंड बचा हुआ है, उत्तराखंड में भी आप सीट ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवा करके। हालांकि केरला और कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके हैं, अभी वहां पर उम्मीद नहीं है कि वहां रजिस्ट्रेशन फेस किए जाएं। छत्तीसगढ़ में जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है वो छत्तीसगढ़ में भी सीट ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी कोई नेक्स्ट में ऑप्शन नहीं है। हाँ, यूपी स्टेट के स्ट्रे में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर उसमें कोई सीट वैकेंट रहती है प्राइवेट की, तो वहां आप रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हैं। हरियाणा स्टेट आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिहार स्टेट आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये मैं आपको प्राइवेट की कंडीशन बता रहा हूँ, इन इन स्टेट्स में आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने फॉर्म पहले फिल कर रखा है तो प्राइवेट के लिए। इसके अलावा साउथ के स्टेट्स में भी अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ये इन सारे प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं जो प्राइवेट की फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताई कि आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती है स्टे वैकेंसी राउंड की एमसीसी की। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कट ऑफ ये ही रहने की पॉसिबिलिटी लग रही है। UR 607, OBC 607, EWS 605, SC 470 और ST 440, इसके नियर बाई कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। और स्टे वैकेंसी के बाद में काउंसलिंग तकरीबन एंड हो ही जाएगी। 30 सितंबर लास्ट डेट है इस साल के एडमिशन की, एमबीबीएस के एडमिशन की लास्ट डेट है। वैसे इसमें एक्सटेंड होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, फिर भी अगर एमबीबीएस की डेट एक्सटेंड होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये सीट ब्लॉकिंग ने इस बार बहुत बड़ा नुकसान किया है स्टूडेंट्स के लिए। और अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हम देखें तो 700 नियर बाई ये सीटें आ सकती हैं, 700 सीटें आने की पॉसिबिलिटी है इसमें। तो कट ऑफ 607 या 608 जा सकती है, क्योंकि इसके बीच में जो 611 कट ऑफ रही थी लास्ट, उसके बीच में स्टूडेंट काफी हैं, तो हम मान रहे हैं कि 607 या 608 के नियर बाई ये लास्ट कट ऑफ जाएगी यहाँ पर। तो ये स्टे वैकेंसी की पॉसिबिलिटी है। सीट ब्लॉकिंग अगर इस बार नहीं होता है, नहीं होता तो स्टूडेंट को काफी फायदा होता जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट थे। अभी जो मौका दिया गया है इस एमसीसी के थर्ड राउंड में मौका दिया गया था और स्टेट के थर्ड राउंड में मौका दिया गया, तो हर स्टूडेंट यही चाहता है कि उनको बेहतर सीट मिले। एक स्टूडेंट दो सीट होल्ड कर रहा है तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है, जब उसको मौका मिल रहा है तो वो अच्छी सीट लेगा, हम भी लेंगे, हमारी जगह कोई और होगा वो भी लेगा, क्योंकि बेहतर सीट जब उसको मिल रही है तो वो लेने की कोशिश करता है। तो इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, स्टेट को चाहिए था कि वो पहले अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये जारी कर दे कि स्टेट के मॉपअप में जिन कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में सीट मिल गई है वो इलिजिबल नहीं है, तो स्टूडेंट उसी प्रकार से अपना प्लान करके लेकर के चलते इसमें मॉपअप राउंड की वो सीट ज्वाइन कर लेते, इससे सीट ब्लॉक होने के कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन इस प्रकार का कोई रूल नहीं था इस बार कि जिन कैंडिडेट्स को एमसीसी के थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो गई है वो स्टेट के थर्ड राउंड में या मॉपअप राउंड में सीट नहीं ले सकते, इलिजिबल नहीं है, इस प्रकार का कोई रूल नहीं था। इसके कारण ये काफी सारी सीटें ब्लॉक हुई हैं अब की बार। हालांकि जो थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन था उसका स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं मिला है अपग्रेडेशन का। ये रूल बनाया इसलिए गए था कि पहले ऐसा होता था सेकंड राउंड में स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी सीटें नहीं मिलती थी और मॉपअप राउंड में, एमसीसी के मॉपअप राउंड में अच्छी अच्छी सीटें मिल जाती थी, फिर स्ट्रे में और भी उससे अच्छी सीटें मिल जाती थी। तो इसको देखते हुए ये कदम तो सही उठाया था, लेकिन इसके रूल्स में कुछ चेंज करना चाहिए था। इसके रूल्स में ऐसा चेंज करना चाहिए था, ऐसा सोच के करना चाहिए था कि सीट ब्लॉक ना हो।
हालांकि एमसीसी ने एक ऐसी लाइन लिखी थी कि अगर किसी ने थर्ड राउंड में सीट अलॉट करवा ली है वो एनी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर वो स्टेट लिखा होता उसमें कि वो एमसीसी के अलावा स्टेट के भी किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट के पास में दो सीट होती नहीं, वो होल्ड करता नहीं और अपने प्लानिंग के अनुसार वो सीट ले लेता इसमें। तो जिस प्रकार से पिछले साल और इस साल में फर्क हुआ है, इसमें ये खुशी जरूर हुई है स्टूडेंट को कि थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन है, लेकिन थर्ड राउंड की सिचुएशन भी वही थी जो पहले सेकंड राउंड में हुआ करती थी। तो इससे स्टूडेंट को इतना ज्यादा फायदा हुआ नहीं है अपग्रेडेशन से, बल्कि काफी सारे स्टूडेंट को नुकसान ही हुआ है इसमें। तो इस वैकेंसी राउंड में काफी सीटें आने की पॉसिबिलिटी है और कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया है कि इतनी कट ऑफ डाउन जा सकती है। और बाकी इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो बना के बता ही दिया था कि स्ट्रे में कौन कौन से कैंडिडेट इलिजिबल है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रे में वही कैंडिडेट इलिजिबल नहीं है जिनको अभी तक कोई सीट मिली हुई है, यानी सीट ज्वाइन कर रखी है, सीट होल्ड कर रखी है। होल्ड का मतलब उनको सीट अलॉट हो गई है और उस पर वो ज्वाइनिंग है, अपग्रेड में है, जैसे भी हो होल्ड कर रखी है या ज्वाइन कर रखी है, उनके पास हाथ में कोई सीट है, तो वो कैंडिडेट इलिजिबल नहीं है। दूसरे कैंडिडेट वो इलिजिबल नहीं है जिन्होंने एमसीसी के थर्ड राउंड में सीट अलॉट करवा ली है। ये दो प्रकार के कैंडिडेट इसमें इलिजिबल नहीं है, बाकी स्ट्रे में सारे कैंडिडेट इलिजिबल हैं। तो ये इलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। तो अभी जैसे ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड शुरू होगा, च्वाइस फिल शुरू होगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप इसी प्रकार से अपना प्लान कर लें। मैं फिर से बोलता हूं, अगर किसी कैंडिडेट्स को कोई प्राइवेट की सीट अफोर्ड नहीं कर सकता है, 605, 607, 608 मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट अपना फिर से तैयारी कर ले, फिर से अगले साल के लिए तैयार हो जाए, यानी कि अगले साल अच्छी तैयारी करके उसको अच्छी सीट मिल सकती है। तो ये जानकारी थी कट ऑफ के बारे में और सीट ब्लॉकिंग के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।